नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, अति महत्वपूर्ण पुस्तकें के बारे में चर्चा करूंगा, जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक जुड़ें, सभी क्वेश्चन का आनंद लें। वीडियो में ही सभी क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, नेहरू, तिब्बत और चीन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतार सिंह भसीन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो सभी साथी याद करने का प्रयास करेंगे। नेहरू, तिब्बत और चीन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवतार सिंह भसीन हैं। दो से तीन बार रिवीजन करें ताकि वीडियो में ही याद हो जाए। एक बार फिर से देखते हैं, नेहरू, तिब्बत और चीन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवतार सिंह भसीन हैं। अगला देखते हैं, बुद्धा इन गंधार, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुनीता द्विवेदी। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है बुद्धा इन गंधार। बुद्धा इन गंधार पुस्तक के लेखक सुनीता द्विवेदी हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धा इन गंधार, पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुनीता द्विवेदी हैं। अगला देखते हैं, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन, पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। अगला देखते हैं, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो शकूर राठेर हैं। शकूर राठेर, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, पुस्तक के लेखक कौन हैं? शकूर राठेर हैं। अगला देखते हैं, द बेंच, द बेंच, पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेघन मार्कल हैं। मेघन मार्कल, द बेंच, पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेघन मार्कल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, वीडियो में ही हमारे साथ साथ याद करते चलें। अगला देखते हैं, नीलिमा रानी, माई मदर माई हीरो, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अच्युत सामंत। डॉक्टर अच्युत सामंत, नीलिमा रानी, माई मदर माई हीरो, पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर अच्युत सामंत है। अगला देखते हैं, वाहना मास्टर क्लास, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अल्फ्रेडो कोवेल्ली हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, वाहना मास्टर क्लास, पुस्तक के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली हैं। वीडियो में ही सभी पुस्तक को याद करते चलें। वाहना मास्टर क्लास, पुस्तक के लेखक कौन हैं? अल्फ्रेडो कोवेल्ली हैं। अगला देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, पुस्तक लेखक कौन हैं? नितिन राकेश और जेरी विंड हैं। नितिन राकेश और जेरी विंड हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, पुस्तक लेखक कौन हैं? नितिन राकेश और जेरी विंड हैं। जितने भी साथी को वीडियो में ही सभी पुस्तकें याद हो रही हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला देखते हैं, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड की रचना है अमर्त्य सेन की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, होम इन द वर्ल्ड किसकी रचना है? अमर्त्य सेन की है। अगला देखते हैं, द नटमेग्स कर्स किसकी रचना है?
तो अमिताभ घोष की है। अमिताभ घोष द नटमेग्स कर्स किसकी रचना है? अमिताभ घोष की। अगला देखते हैं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं, रस्किन बॉन्ड। इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगला देखते हैं, द लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है? जयराम रमेश, जयराम रमेश की। द लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है? जयराम रमेश। इस पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है? महात्मा बुद्ध की। आप जानते होंगे एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, तो यह पुस्तक उन्हीं से संबंधित है। अगला देखते हैं, बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। अगला देखते हैं, सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता की, नीना गुप्ता की। सच कहूँ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता की। अगला देखते हैं, विल किसकी आत्मकथा है? बिल स्मिथ की। बिल किसकी आत्मकथा है? बिल स्मिथ की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिल किसकी आत्मकथा है? बिल स्मिथ की। अगला देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ किसकी रचना है? तो सलमान रुशदी की है, सलमान रुशदी। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ किसकी रचना है? सलमान रुशदी की। अगला देखते हैं, बेयर अबाउट किसकी रचना है? झुम्पा लाहिड़ी की। बेयर अबाउट किसकी रचना है? झुम्पा लाहिड़ी की। अगला देखते हैं, लिविंग माउंटेन किसकी रचना है? लिविंग माउंटेन किसकी रचना है? अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष की। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की रचना है। अगला देखते हैं, दिस इज अमेरिका डे किसकी पुस्तक है? जो बाइडेन है, जो बाइडेन की पुस्तक है। दिस इज अमेरिका डे किसकी पुस्तक है? जो बाइडेन की। काफ़ी शानदार पुस्तक है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो इनकी पुस्तक का नाम है दिस इज अमेरिका डे। अगला देखते हैं, माई लाइफ इन फुल, माई लाइफ इन फुल किसकी रचना है? इंदिरा नुई की, इंदिरा नुई की। माई लाइफ इन फुल किसकी रचना है? इंदिरा नुई की। अगला देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा समीर सोनी की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किसकी रचना है? समीर सोनी की। अगला देखते हैं, एलिफेंट इन द बॉम्ब किसकी पुस्तक है? कल्कि कोचलिन की, कल्कि कोचलिन। इम्पॉर्टेंट है, एलिफेंट इन द बॉम्ब किसकी पुस्तक है? कल्कि कोचलिन की। अगला देखते हैं, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसकी रचना है? दीप हल्दर की, दीप हल्दर।
बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसकी रचना है? दीप हल्दर की। अगला देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंथर डजन स्टोरीज किसकी पुस्तक है? सत्यजीत रे की। एंथर डजन स्टोरीज किसकी रचना है? सत्यजीत रे की। अगला देखते हैं, द क्रिसमस बैग किसकी रचना है? जेके रॉलिंग की, जेके रॉलिंग। द क्रिसमस बैग किसकी रचना है? जेके रॉलिंग की। तो दोस्तों 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक के बारे में अध्ययन कर दिए हैं, जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी साथियों को यह सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों जाते जाते वीडियो को समाप्त करते करते एक शायरी सुनाता हूँ, नरेंद्र कुमार जी का। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे आंगन से रास्ते बना लिए। काफ़ी अच्छी शायरी है दोस्तों। तो जितने भी साथी क्लास में नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितने साथी नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें आपको सेशन कैसे लगता है। यही हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।